मौसम आजकल बड़ा हार्श चल रहा है। इस वक्त जो है सुबह के 7:15 हो चुके हैं और टेम्परेचर जो है -2 है। बर्फबारी हुई है। मेरी रोज़ की रूटीन में मेरा नाश्ता कुछ इस तरह से होता है कि एक बॉयल अंडा, 2 slices विद जैम एंड बटर। और आज क्योंकि मैं काम पे नहीं गया तो नरगिस जो है मेरे लिए चाय बना रही है। इस तरह कुछ मिशल का जो है स्कूल के लंच बॉक्स होता है। नरगिस क्योंकि 30th तक जो है वो घर पे ही है तो आजकल जो है मिशल को छोड़ने जाती है। अभी ये लोग निकल रहे हैं और वहीं से फिर तुम वॉक करके आओगी ना। 9:48 हो गए हैं सुबह के और टेम्परेचर जो है माइनस में बढ़ता जा रहा है। लाइक अभी -4 हो गए हैं और सर्दी जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। नरगिस जो है नाश्ता कर रही है। हेलो, तो आ जाएं फिर नाश्ता करते हैं। हेलो व्यूअर्स, जी आनू, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग ठीक हैं, लेकिन ये है कि काफ़ी दिनों के बाद हम ये व्लॉग डाल रहे हैं और आपसे बहुत सारी चीज़ें आज हम शेयर करेंगे। अभी मैं जो हूँ कम्प्लीटली पैक हो चुका हूँ विद हाई नेक जर्सी और जैकेट के साथ, क्योंकि मुझे बाहर जाना है और बाहर का टेम्परेचर जो है -3 है, इसलिए पैक होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, कुछ थोड़ा इशू है हेल्थ का, और वो चेक करवा के फिर आपसे मिलते हैं। तो हमारा वेट कीजिएगा, सी यू सून। दोपहर के खाने के लिए नरगिस ने बनाया है कीमा चिकन का और साथ में मज़ेदार मसाला भरी मिर्चें बना रही है। तो फ्रेंड्स, मैं खाने लगा हूँ दोपहर का खाना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नरगिस ने ये चिकन का कीमा फ्राई किया है और साथ में ये ग्रीन चिली जो बड़ी वाली है उसको अंदर से भर के मसाले के साथ फ्राई किया है, तो बड़ा मजा आ रहा है। मजेदार। One week later. हेलो व्यूअर्स, मैं उठ गया था। मिशेल और नरगिस अभी अभी उठे हैं और जो हमारे ये सारे क्लिप्स आप देख रहे हो ये ऑलमोस्ट जो हैं लास्ट वीक से लेकर आज तक हैं, यानी सैटरडे वीकेंड। तो यहाँ पे भी जो पाकिस्तान में एक रवायत है नाश्ते की बाहर, तो हम भी कभी कभी नाश्ता बाहर से करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं बाहर से क्या लेके आया हूँ। तो इधर अगर आप देखेंगे तो ये जो है पराठे हैं और ये कुछ स्पेशल है, इसके अंदर जो है मीट है, समोसा है आलू वाला। और ये मैं इनको अभी जो है उठा रहा हूँ कि भाई आप लोग उठे और नाश्ता कर लें। नरगिस जो है चीज़ें रख रही है, तो वीकेंड है तो साथ में कपड़े वॉश हो रहे हैं और मैं जो हूँ वो बीफ बिरयानी आज ट्राई करने लगा हूँ। तो आइए फिर, मैंने मीट को अच्छी तरह भून लिया और अभी मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ आलू। आलू को भूनूंगा अच्छे से और फिर इसमें टमाटर डाल के थोड़ा सा भूनेंगे और पानी फिर डाल देंगे। उम्मीद है आपको ये बिरयानी पसंद आएगी। अभी जो है मैंने आलू, गोश्त और ऊपर से टमाटर डालने हैं और इनको अच्छी तरह एक दफ़ा भूनूंगा ताकि मसाला जो है इसके अंदर रच बस जाए। बिरयानी को मैंने दम पे रख दिया। आधा घंटा दम देने के बाद हमने इसको ओपन किया। बिरयानी को माहिराना तरीके से मिक्स किया जा रहा है बाय नरगिस। तो अभी जो है मैंने बिरयानी जो है प्लेट में निकाल ली है और अभी ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसी बनी है। रियली बहुत औसम, मज़ेदार, टेस्टी है। फर्स्ट टाइम हमने बनाई है लेकिन बहुत ही अच्छी बनी है। बीफ बिरयानी, हाँ बीफ बिरयानी ऑफ कोर्स।